डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गैर कानूनी हथकंडे अपनाकर करीब 500 करोड़ रुपए की भूमि कब्जा चुके गैंगस्टर यशपाल तोमर की आज मेरठ के वेद व्यासपुरी में कोठी कुर्क कर ली गई। इस कोठी की कीमत बाजार रेट के मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए अनुमानित बताई जा रही है। यशपाल तोमर नोएडा के चिठहरा गांव में भूमि घोटाले का मुख्य आरोपी है। यशपाल तोमर ने उत्तराखंड मेरठ बागपत नोएडा दादरी ग्रेटर नोएडा में करीब 500 करोड़ रुपए कीमत से ज्यादा की जमीन प्लॉट और मकान खड़े किए हुए हैं। इस कुख्यात को एंटी टास्क समिति ने भूमाफिया घोषित किया था। SSP रोहित सिंह सजवान व मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेरठ में आज यह कुर्की की गई। बता दें कि 13 मई 2022 को मेरठ पुलिस ने इसी कुख्यात की गैंगस्टर एक्ट में नोएडा के चिठहरा में करीब 100 करोड़ रुपए की भूमि को जब्त कर प्रशासन के सुपुर्द कर दिया था। पिछले दिनों हरिद्वार STF और उत्तराखंड पुलिस ने इस कुख्यात की 153 करोड़ रुपए की जमीन को जब्त किया था। गैंगस्टर एक्ट में हरिद्वार पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। अभी तक इसकी उत्तराखंड UP में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। बागपत में भी जमीन को जब्त किया गया है। आज कुर्की के बाद SP विवेक ने यह जानकारी दी। देखिए, आज ये वेद व्यासपुरी थाना TP नगर में स्थित एक आवासीय मकान है यशपाल तोमर का, जो इसकी अपराध से बनाई गई संपत्ति द्वारा ही ये खड़ा किया गया है, और उस पर 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है वो आज कार्रवाई की जा रही है। देखिए, करीब 300 स्क्वायर मीटर में है, ये शहर के एक प्राइम लोकेशन पे है, और 5 करोड़ इसकी जो है अनुमानित व्यवसायिक कीमत लगाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश किया जा रहा है कि इसकी अन्य जो भी अपराध से अर्जित संपत्तियाँ हैं उसके बारे में पता चले, और जैसे ही पता चलेगा उस पर सारी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी 135 बीघा के आसपास की जमीन ग्रेटर नोएडा में मेरठ पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। आज ये जब्तीकरण की जो है वो भी कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।